राधे कृष्ण दोस्तों, इस कलिकाल में जब हम बाहरी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तब प्रभु विस्मरण होने लगते हैं या बीच बीच में भूल जाते हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ यह है कि गहरी अंतःकरण की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। गहरी स्वीकृति का अर्थ है कि क्या आप कभी भूल सकते हैं कि आप पुरुष हो या स्त्री? कभी नहीं। नींद में भी आपको पता होगा कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो आपने इसके लिए अभ्यास थोड़ी किया है, फिर भी आपको ये हर पल हर क्षण याद है। तो ये इसलिए याद है क्योंकि आपने अपने हृदय से गहरी स्वीकृति कर ली है कि आप पुरुष हो या फिर स्त्री हो। ठीक इसी प्रकार जब आपकी शादी होती है तो क्या वो दुल्हन कभी अपने पति को भूलती है क्या? फिर वो नींद में भी बोलती है मैं सुहागन हूँ। तो ऐसा क्या हो गया उस आधे घंटे में जो हमेशा हमेशा के लिए उसने स्वीकार कर लिया कि मेरे पति है? तो ये भी इसलिए हुआ क्योंकि दुल्हन ने उस आधे घंटे में हृदय से अपने शादी को स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक गहरी अंतःकरण की स्वीकृति की जरूरत होती है, उसे कहते हैं हृदय के अंतःकरण की स्वीकृति। तो ऐसे ही आपको स्वीकार करना है कि मैं प्रभु का अंश हूँ और मेरे प्रभु मेरे परमात्मा है, उनकी आत्मा मैं हूँ और वो परमात्मा केवल श्री कृष्ण है। ये स्वीकृति जब तक आप हृदय के अंतःकरण से नहीं धारण करोगे तब तक प्रभु का विस्मरण होता ही रहेगा। मित्रों, कितने भी झगड़े हो पर आप अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलते। सही कहा ना, क्योंकि आपने उन्हें पहले ही रिश्तेदार के रूप में स्वीकार किया है, अब उनको भुलाना नामुमकिन है। झूठ लगे तो आजमा के देख लो। चलो किसी रिश्तेदार को अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए भुला दो, तो ऐसा नहीं होगा मित्रों, क्योंकि बात अंतःकरण के स्वीकृति की है। ठीक ऐसे ही आप अपना नाम भूलोगे क्या? कभी भुला नहीं पाओगे क्योंकि आपने अपने नाम को स्वीकार किया है। तो ऐसे में आपको कुछ करना नहीं है, ना ध्यान करना है और ना ही अभ्यास करना है। बस वो बात दिल से आनी चाहिए कि मैं श्याम का हूँ और श्याम मेरे है, तभी स्वीकृति होगी। और जब ऐसा होगा तब प्रभु का विस्मरण कभी नहीं होगा, 100% की बात है, क्योंकि बात स्वीकृति की है। बस यही चीज हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे है, मेरा कृष्ण के अलावा कोई और है ही नहीं। बस यही बात दिमाग में पक्की बैठा लेनी है। फिर जैसे जैसे आप ये बात बैठा लोगे वैसे वैसे सिद्धि मिलती जाएगी। बस बार बार दिमाग को ये बात दोहराते रहे, ये बात बताते रहे कि तेरा सिर्फ कृष्ण ही है, बाकी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति होगी तो आप कभी प्रभु को भूलोगे नहीं, बल्कि उन्हें बारंबार याद ही करते रहोगे। ये करके देखिए, ऐसा आजमा के देखिए, फिर बिल्कुल परिणाम आपके पक्ष में होगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।